मैं देख रहा हूँ जो कि एक ट्रक जो था वो पलट चुका है, और इस साइड देखिए, इस साइड का और बुरा हाल है। ये देख रहे हैं ना, ये बाहर से कोई कचरा नहीं लाया है, बस खाली यहाँ के जो फिलहाल एक सीन ये देख लीजिए, ये फुलोरिया गांव का है और ये है मेन रोड। ये देख रहे हैं पूरा गटर का पानी पूरा रोड पर जमा हुआ है, और देखिए ऊपर भी कई लोग लगे हुए हैं उसी प्रकार। देखिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने वाराणसी के लहरतारा के बौलिया में। जैसा कि आप जानते होंगे कि अपने वाराणसी में कई सारे इस समय अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसी में से एक प्रोजेक्ट है आपका लहरतारा फुलवरिया शिवपुर फोर लेन, ठीक है। तो आज मैं उसी को दिखाने वाला हूँ, और दिखाया तो काफ़ी तेजी गति से इस समय कार्य चल रहा है, तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामने एक त्रिमुहाने है, यानी कि सीधे रास्ता ये चला जाएगा आपका चांदपुर के लिए, ठीक है, और आगे बौलिया मार्केट है। और ये देखिए रास्ता है, ये सीधे चला जाएगा आपका गेट नंबर 4-4 से, यानी कि जहाँ पर आपका आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। और फिलहाल दिखाया तो ये देखिए, ये रोड भी क्लियर हो चुका है, यानी बन के तैयार हो चुका है दोनों साइड में। ये देख रहे हैं एक इस साइड पत्थर लगा हुआ है, एक उस साइड पत्थर लग गया है, तो ये देख रहे होंगे यानी कि दोनों साइड, इस साइड दाहिने साइड में भी और बाएं साइड में जो है कि रोड पूरा तो कंप्लीट तो हो ही गया है, लेकिन जो पत्थर बिछाने वाला जो कार्य था वो इस साइड का कंप्लीट हो चुका है। यानी कि यह जो गेट नंबर 4 पर जो आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है, ये पूरा वाई आकार में चल रहा है, यानी कि एक लहरतारा चौराहा साइड से भी एक रास्ता आया हुआ है, एक इस साइड से सीधे गया हुआ है, यानी कि ये वाई आकार का आपका बन जा रहा है। तो चलिए आगे से आपको दिखाते हैं, अगर ऐसे में वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों इस साइड देख रहे होंगे जो कि नाला भी बन चुका है दाहिने और बाएं साइड में, इस साइड बनाना बाकी है। ये देख रहे हैं रेड कलर का जो बिल्डिंग है, आने वाले समय में इसे तोड़ा जाएगा, ये देख रहे हैं। आगे देखिए एक त्रिमुहानी है, यानी कि देखा है तो ये वाराणसी का लहरतारा और कोटवा मार्ग को आपस में जोड़ता है, और वैसे सीधे रास्ता ये चला जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो कि गेट नंबर 4 के लिए चला जाएगा जहाँ पर आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। सामने देखिए पेट्रोल पंप, ये जो रास्ता ये सीधे आपका कोटवा के लिए चला जाएगा। ये देखिए बौलिया से आया हुआ यह एक आरओबी है, ये देख रहे हैं फिलहाल दिखाया तो ये कुछ दिन पहले ये ढलाया है, यानी कि यह आरओबी जो देख रहे हैं आरओबी के किनारे लगेगा एक तरह से, दिखाया तो ये बना हुआ है आपका रेलिंग। फिलहाल दिखाया तो यानी कि दोनों साइड का जो रेलिंग है उसे इस समय पुट्टी किया जा रहा है। ये देखिए साचा ढालने वाला, इस साइड का दिखाया तो ये जो ढलान है वो कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं उस साइड जहाँ पर कार चल रहा है काफी तेजी गति वाला, तो वहां से आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको लेकर चलूंगा यानी कि दाहिने साइड, यानी कि जो लहरतारा से आपका आकर मिला हुआ है गेट नंबर 4 में आरओबी। फिलहाल दोस्तों इस साइड देख रहे होंगे जो कि छड़ का पूरा स्टॉक रखा हुआ है, यानी कि जो आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है ये उसी में आपका यूज हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो कि उस साइड देख रहे हैं जो कि छड़ को काट रहे हैं, और काटने के बाद उसका आकार दे रहे हैं, ये देख रहे हैं ना सामने। और फिलहाल दिखाया है तो जो एक स्टील का जो गाटर था उसे शिफ्ट कर लिया गया है जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, यानी कि उस साइड से इस साइड आ चुका है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ दाहिने साइड में, दाहिने साइड में भी दिखाया तो इसमें पिलर का जो निर्माण कार्य है वह काफ़ी तेजी गति से चल रहा है, तो उसे दिखाते हैं। फिलहाल देखिए एक इस साइड देखिए पिलर बनकर रेडी हो चुका है, इस साइड देखिए भी बचा हुआ है, और इसी प्रकार आगे भी जो है वह पिलर का निर्माण कार्य चल रहा है। और आपको एक बात और बता दें कि देखिए इस साइड यानी कि दाहिने साइड में जो पिलर का जो निर्माण कार्य जो चल रहा है, आने वाले समय में यह जो बिल्डिंग देख रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है इसे तोड़ा जाएगा।
ये देखिए, देख रहे हैं ना, चलिए लेकर चलते हैं आपको उस साइड से दिखाते हैं। ये देखिए सामने भी, ये देख रहे हैं ना पिलर का ऊपर वाला हिस्सा जो है ढालना बाकी है। इस साइड देखिए मकान जो है इसे तोड़ा गया है। ये सीधे रास्ता आपका चला जाएगा लहरतारा चौराहा होते हुए मोरवाड़ी के लिए चला जाएगा। फिलहाल देखिए जो भी कार चल रहा है वो इसी साइड चल रहा है, तो आपको लेकर चलते हैं गेट नंबर 4C पर। ये देख रहे हैं, यानी कि इस साइड दिखाया तो गेट नंबर 4 से लहरतारा साइड में दो पुल बनाया जा रहा है। एक देखिए इस साइड, ये देख रहे हैं एक इस साइड, ये वाला जो पुल है ये सीधे जाके आपका जोड़ेगा लहरतारा जो फ्लाई ओवर है उसमें जोड़ेगा, और ये वाला जो पुल है ये आगे ही कुछ ही मीटर की दूरी पर जाकर ये ढलान के माध्यम से नीचे जो है वो उतर जाएगा। चलिए इस साइड से हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपको बता दें कि देखिए इस प्रोजेक्ट का जो लंबाई है वो है लगभग 5.5 किलोमीटर, और इस प्रोजेक्ट में लागत जो है वो है 185 करोड़ रुपए, जिसमें से आपका वरुणा नदी में बना हुआ एक फ्लाईओवर है, और जो एक ये ROB जो बन रहा है एक ये है, और एक जो गेट नंबर 5C पर जो बन रहा है वह भी शामिल है। और लगभग देखा है तो इस प्रोजेक्ट का जो कार है वह 88% जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए उस साइड का जो गटर था स्टील वाला वह शिफ्ट कर दिया गया है, इस साइड का देखिए ये बचा हुआ है। फिलहाल यह जो रास्ता है यह सीधा भी बंद कर दिया गया है। ये देख रहे हैं ना कार काफी तेजी गति से इस समय काफी जोर शोर से इस समय चल रहा है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस साइड से थोड़ा सा दिखाते हैं, और ये देख रहे होंगे जो कि उस साइड से जो गटर है वो आ चुका है इस साइड। ये देख रहे हैं ना पिलर पर रखा चुका है। ये देख रहे हैं सीन कुछ इस प्रकार, और इस साइड फिलहाल देख रहे होंगे जो कि पटरियां जो है कई लोग लगे हुए हैं, पटरी को इस समय कस रहे हैं जो नट बोल्ट होता है उसका। और देखिए ऊपर भी कई लोग लगे हुए हैं उसी प्रकार, देखिए इस साइड भी। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहां से आपको लेकर चलता हूं गेट नंबर 4C से 5C के पास। 5C जाने में लगभग देखा है तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लगेगा, तो वहाँ से मैं आपको सीन दिखाता हूँ कि वहाँ का क्या हाल चाल है। तो दोस्तों फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जो कि रेलवे द्वारा भी इस समय कार्य जो चल रहा है काफ़ी तेज़ी गति से पटरियाँ को बिछाया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं बहुत से मजदूर हैं उस साइड भी लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं ना। चलिए लेकर चलते हैं आपको इस साइड से उस साइड। इस साइड देखिए अभी फिलहाल जो गाटर है स्टील का वो रखा हुआ है। फिलहाल जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि रास्ता को बंद कर दिया गया है, जैसा कि आप इस साइड से भी देख पा रहे होंगे, यानी कि अगर आप फुलवरिया गांव से भी अगर आ रहे हैं तो सोच रहे हैं लहरतारा जाने के लिए तो आपको मुड़ कर जाना होगा, यानी कि गेट नंबर 5 उस साइड है, उस साइड से घूमते हुए आपको आना होगा।
फिलहाल एक सीन ये देख लीजिए, ये फुलोरिया गांव का है और ये है मेन रोड। ये देख रहे हैं पूरा गटर का पानी पूरा रोड पर जमा हुआ है। ये देखिए ऐसे ही अगर पानी जमा रहा तब तो रोड तो पूरा खराब हो जाएगा। हालांकि देखा है तो यह जो जितने एरिया में पूरा पानी डूबा है ये पूरा खराब ही हो गया है, जो कि ये बन कर पूरा रेडी हो गया था यह रोड। ये देखिए ये है फुलवरिया गांव का नज़ारा जो कि बना हुआ है ये इनर रिंग रोड। फिलहाल देखिए ये चलने में तो काम तो आ ही रहा है, लेकिन कूड़ा फेंकने के लिए भी यह जो रोड है वो काम में आ रहा है। ये देख रहे हैं दाहिने और बाएं साइड, ये देखिए सीन कुछ इस प्रकार है। और इस साइड देखिए, इस साइड तो और बुरा हाल है। ये देख रहे हैं ना, ये बाहर से कोई कचरा नहीं लाया है, बस खाली यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये इन्हीं लोग का काम है। तो दोस्तों फिलहाल मैं चलते चलते यानी ये गेट नंबर 4C से मैं पहुँच चुका हूँ 5C, तो चलिए वहाँ से मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये देखिए यानी कि 4C से होते हुए जब आएंगे तो इस साइड देखिए 5C, इस साइड का भी देख रहे हैं दो भाग में डिवाइड किया गया है इस ROB को। फिलहाल सामने देख रहे होंगे जो कि एक ट्रक जो था वो पलट चुका है। ये देखिए ये देख रहे हैं ना, फिलहाल इस साइड देखा है तो ये ढलान का जो कार है यानी कि ये जो गिट्टी देख रहे हैं इसे चारों तरफ फेंका जा रहा है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए पुल के नीचे चलते हैं गेट नंबर 5C पर। फिलहाल देखिए अभी मैं पहुंच चुका हूं रेलवे फाटक 5C पर। ये देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अड़चन आने की वजह से इस साइड का जो कार है काफ़ी धीमी गति से इसमें चल रहा है। चलिए आपको आगे से भी दिखाते हैं सीन। सामने है रेलवे फाटक जो कि दाहिने साइड से जाएंगे तो कैंटोनमेंट होते हुए आप कचहरी के लिए चले जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है 5C। सामने से आपको ऑटो भी मिल जाएगा, एक तरह से देखा है तो ये ऑटो स्टैंड है। और ये देख रहे हैं पूरा स्टील का जो गाटर है वो भी रखा हुआ है। और इस साइड जो है वो बेस बनाया जा रहा है लोहे का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस साइड। ये देख रहे हैं यही वो स्थान है जहाँ पर कई सारे मकान थे उसे तोड़ा गया है। ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं बेस बनाया गया है। बेस बनाने के बाद यह जो लोहे का राड इसे खड़ा किया गया है और इसी के ऊपर जो है वो जो स्टील का जो यानी गाटर है उसे चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।